करनाल के सेक्टर 6 स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल के प्रांगण में अंतरिक्ष परी स्वर्गीय कल्पना चावला की याद में नासा स्पेस सेंटर में जाने वाली होनहार छात्रा शीतल चौधरी के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रा को नासा स्पेस सेंटर के लिए सिलेक्ट हो जाने पर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। यहाँ हम आपको बता दें कि करनाल की रहने वाली अंतरिक्ष परी स्वर्गीय कल्पना चावला नासा स्पेस सेंटर से अन्य वैज्ञानिकों के साथ खोज के लिए गई थी, परंतु वापसी में उनका वायुयान क्रैश हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके याद में टैगोर बाल निकेतन सेक्टर 6 से हर वर्ष 2 बच्चे नासा स्पेस सेंटर में रिसर्च के लिए बुलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत स्कूल के 35 छात्र छात्राएं नासा रिसर्च सेंटर में जा चुके हैं और स्पेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसी संदर्भ में अब इस प्रक्रिया की ओर कड़ी बनाते हुए मेरिट के आधार पर छात्राओं का सिलेक्शन किया जाता है, जिसमें टैगोर बाल निकेतन की छात्रा शीतल चौधरी को नासा स्पेस सेंटर में सिलेक्ट कर बुलाया गया है। उनके स्वागत में स्कूल प्रबंधक कमेटी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर छात्रों के माता पिता भी मौजूद रहे। स्कूल के डायरेक्टर रविंद्र मोहन रहेजा ने छात्रा की इस उपलब्धि पर फूलों के बुके देकर उनका स्वागत किया और उनकी नासा यात्रा के बारे में मंगल कामनाएं की। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य राजन लांबा ने कहा कि स्कूल से लगभग 35 छात्र नासा स्पेस सेंटर में रिसर्च के लिए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि वहां जाने के लिए छात्राओं द्वारा कड़ी मेहनत की जाती है और स्कूल द्वारा भी छात्र छात्राओं को उचित माहौल दिया जाता है, जिससे कि वह भविष्य को सुरक्षित बना सके और आने वाले समय में एक बेहतरीन नागरिक बनकर समाज की सेवा कर सके। सर, आज आपके स्कूल से नासा में एक लड़की जा रही है, तो कौन लड़की है और क्या उस वहाँ जाने का बेस है? ये अपनी 11th क्लास की बच्ची है शीतल, और ये बेस तो ये कि 1998 से ये बच्चे हमारे नासा जा रहे हैं, और ये जो जाने का कारण है, इन्विटेशन का रीज़न है, वो हमारी जो पूर्व छात्रा रही हैं डॉक्टर स्वर्गीय कल्पना चावला जी, उन्होंने ये एक स्कूल को अपने सौगात दी थी कि हर साल नासा स्पेस सेंटर पे उनके बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन शुरू में ये था कि जो स्कूल को एक इनविटेशन आता था, और जनरल स्कूल के जो भी मेरिटोरियस बच्चे होते थे, जो बेस्ट बच्चे एकेडमिक्स के एक्टिविटीज़ के, उस बेस के आधार पे बच्चे जाते रहे, और ये चलता रहा 2015 तक। तो 2015 के बाद जो नासा स्पेस सेंटर ने इसमें कुछ चेंज ले के आगे, और उन्होंने देखा कि ये लगभग 20-22 कंट्रीज़ के बच्चे आते हैं जहाँ जाके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो उन्होंने 15 के बाद एक ओपन वो कर दिया कि कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है उसमें, और जो भी बच्चा अप्लाई करेगा तो उसमें एक नासा का बोर्ड यूट्यूब पे इंटरव्यू लेता है, बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो बच्चे उनके इंटरव्यूज़ को फेस करते हैं, जो बच्चे उनके जो भी क्वेश्चन डायलॉगिंग जो होती हैं उसको फेस करते हैं, तो उसके आधार पे वो शॉर्टलिस्ट करके बच्चे का इनवाइट करते हैं। तो उसी श्रृंखला में इस बार ये बच्ची जो हमारी शीतल है वो सिलेक्ट हुई है, और ये आज रात की फ़्लाइट से जा रही है, और वहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हीं की गेस्ट रहेगी, नासा स्पेस सेंटर की गेस्ट रहेगी, और 5 अगस्त को इसकी वापसी रहेगी। तो ये इसकी सारा जो सिस्टम है, और हमारा टैगोर बाल निकेतन परिवार अपनी शुभकामनाएं देता है शीतल को कि वो अपना जो मिशन पे जा रही है, और एक बहुत ही गरीब साधारण परिवार की बच्ची है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, और 10th में भी इस बच्ची ने 94 point something मार्क्स लेके स्कूल में 3rd या 4th रैंक पे रही है, और अच्छा इसका बच्ची का अपना एक वो है जो लेकर आगे बढ़ रही है। तो क्या सीखने को मिलता है बच्चों को? बच्चों को साइंटिफिक वो है कि देख रहे हैं कि जिस तरह के एस्ट्रोनॉट्स हैं, किस तरह का वो लाइफ जी रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, उसके आधार पर वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और कोई इजी नहीं है। बच्चों को एक हार्ड वर्किंग की वो दिखाने के लिए, कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए ही बच्चों को इन्वाइट किया जाता है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या देखिए, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे स्कूल की एक विद्यार्थी नासा जा रही है, जहाँ पर 25 साल से हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं, और ये ओपन कंपटीशन के थ्रू जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस में बच्ची ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, ये इट्स एन ऑनर फॉर द स्कूल। वी विश हर ऑल द बेस्ट, एंड शी विल ब्रिंग फेम एंड नेम टू द स्कूल एंड टू हर पेरेंट्स एंड फॉर हर सेल्फ। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे शीतल? आप वहाँ जा रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका वहाँ जाने का, क्या उद्देश्य है? सर, कुछ सीख के आना है, कुछ सीख के आना, और यहाँ पे आके बताना है कि मैंने वहाँ पे क्या सीखा। बहुत अच्छा लग रहा है आज वहाँ जाके कि मेरे स्कूल्स वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरी इतनी हेल्प करी है कि मैं इसकी उनकी वजह से ही वहाँ जा पा रही हूँ। सो इट फील्स ग्रेट। थैंक यू फॉर टू ऑल दोस्त एंड फॉर योर बेस्ट विशेस। आपका भविष्य में क्या लक्ष्य है? सी,
When I applied for this, I'm in 10th standard, so I don't know what I have to opt for them, but I've opted arts now. So what I'm looking forward to have to get fit into yellow team, because yellow team has a objective of to maintain the budget or what have they have to opt for NASA. So I'm learning. So in India, हमारे इंडिया में क्या है कि हम गवर्नमेंट इतना बजट इसरो को नहीं देती है, इसलिए हमारा एरोनॉटिकल साइंस इतना पीछे चल रहा है, लेकिन हम फिर भी इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं. तो मैं वहाँ जाके कुछ ऐसा कि वो कितना बजट देते हैं, कुछ ऐसा सीख के कि हमारी गवर्नमेंट भी वही बजट इसरो को दे पाए, तो मैं कुछ ऐसा सीखना चाहती हूँ और यहाँ पे आके बताना चाहती हूँ. क्या कहना चाहेंगे आप गुड़िया स्पेस में जा रही? सबसे पहले तो स्कूल बधाई का पात्र है, जिसके मार्गदर्शन में बच्चे ने ओपन इंडिया लेवल पे कंपटीशन में सिलेक्ट किया ऐसे ने अपने आप को. और एक माता पिता की खुशी एक जो उसके बच्चों की कामयाबी है इससे ज़्यादा क्या होगी. बस बहुत खुशी है. क्या बनाना चाहते थे आप गुड़िया को? इसका शुरू से ही अपनी इसकी च्वाइस है कि मैं पापा जज बनूं. और इसने थोड़ा साइड हट के लिया, इसका 94.8 इसका मार्क्स आया 10वीं में. तो इसका ये और भी थोड़ा करना चाहती है, आर्ट साइड लिया इसने. तो बच्चे के बारे में कोई लगन थी पिछले कोई ऐसी कहानी? हाँ, इसमें एक थोड़ा एक्टिव एक्स्ट्रा है इस बच्चे में. स्कूल की लीडरशिप मिली है इसको और बहुत एक्टिव बच्चा है, एक अलग से है थोड़ा ज़्यादा इसमें थोड़ा और बच्चों से. मैं देखता हूँ घर पर. ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी मेरी वार्ड की प्यारी सी लड़की शीतल आज पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. और ये 36 गर्ल है टैगोर स्कूल की. और मुझे लगता है पूरे करनाल में सिर्फ टैगोर स्कूल ही ऐसा है जो नासा में बच्चों को भेजता है और वहाँ पे बच्चे नई नई तरीके की साइंटिफिक और इंस्टॉन्डेड बातें सीख कर आते हैं. और जो इनकी इंस्पिरेशन है ये इनकी कल्पना दीदी हैं. और ऑल द बेस्ट शीतल, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पक्का प्रूफ से कह सकती हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर सब कुछ पूरा अपना जो कोर्स से वो सीख कर आओगे. और इस बार नहीं, आगे वाले कुछ सालों बाद भी तुम यूएसए जाओगी. और टैगोर स्कूल के जितने बच्चे हैं मैं सबको विशेस देना चाहूंगी. एंड कॉन्ग्रेट्स टू रेजा सर, राजन लांबा सर एंड ऑल द मैनेजमेंट ऑफ टैगोर स्कूल. हाँ जी, गुड़िया की उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे? गुड़िया की उपलब्धि खुशी है जी, हमने जी गुड़िया के भी कामयाब हो जाए जी गुड़िया. अपना कुछ नाम माँ बाप की बड़ा जी अपने पैरों पर खड़े हो जाए गुड़िया. घर के कार्यों में कैसी है गुड़िया? गुड़िया ठीक है जी घर के कार्यों में. पढ़ाई के? पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है जी पढ़ाई.